नमस्कार, आपकी अदालत में आज का स्वागत है। आपकी अदालत में आज इस खास शो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी और मुसलमान की। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार ज्यादा बहुमत से बने, उन्होंने लोगों से कहा कि मैं सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जोड़ना चाहता हूं, सब लोगों का यकीन जीतना चाहता हूं। लेकिन उनकी इस बात पर सबको यकीन नहीं है। क्या वाकई में वो सबका विश्वास जीतना चाहते हैं? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? क्या वो वाकई में मुसलमानों की जो मसालत हैं उनको हल करना चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपकी अदालत के इस खास शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे पहले मेहमान, जिनको आप टीवी पर बहुत देखते हैं, नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते हुए सुनते हैं, जफर सरेशवाला। और आपकी अदालत में आज हमारे दूसरे मेहमान हैं जमीयतुल उलमाए हिंद के सेक्रेटरी मौलाना मदनी। और आपकी अदालत में हमारे एक और मेहमान हैं जिनको इस सरकार ने जिम्मेदारी दी है माइनॉरिटीज का भला करने की, कल्याण करने की, भारत सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। और आज के हमारे इस खास शो में हमारे जज हैं जाने माने शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बार। और इससे पहले आज का यह खास मुकदमा शुरू करें, आज के जज मुस्लिम शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बार से इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत दी जाती है, कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे। मोदी ने कहा कि डर का माहौल पैदा करके माइनॉरिटीज को डराया गया। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं कि हमें इस छल को भी छेद करना है। 19 जाने माने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, जिनमें जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी शामिल हैं, मोदी के इस नजरिए की तारीफ की। माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने बिना देर किए मुसलमानों के लिए 100 दिन के रोड मैप का ऐलान किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने माइनॉरिटीज की एजुकेशन, वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटलाइजेशन, मुस्लिम नौजवानों को हुनरमंद बनाने जैसे कई प्लान बनाए हैं। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनके दिल में डर है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या वो वाकई मोदी पर यकीन कर सकते हैं? क्या मोदी उन लोगों पर लगाम लगा पाएंगे जो आज भी अपने बयानों से मुसलमानों को डराते हैं? जफर सरेशवाला पिछले कई सालों से ऐसे सवालों के जवाब देते रहे हैं। अब एक नई सरकार है, क्या ये मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी एक नई सुबह का आगाज है? आज आपकी अदालत में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत का ये खास मुकदमा और आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि मुल्क के मुसलमानों में डर का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो हमें खबरें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं डर है मुसलमानों के दिल में। तो आपको भी ऐसी कुछ खबर मिली मौलाना साहब कि वाकई में डर है? देखिए, जो जिस तरह आप खुद ही कह रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं कि जो बयानबाजी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया, वो सराहना किए जाने के काबिल है।
उसको वेलकम करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये होती है कि साथ साथ वो दूसरा काम भी चल रहा होता है। तो अब ये तो नकवी साहब सौभाग्य से बैठे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने ईद के दिन बयान दे दिया। देखिए, पहली बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विकास का मसौदा है, वोट का सौदा न था, न है, न कभी रहेगा। लेकिन उन्होंने जब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करी तो उसको ईमानदारी से ज़मीन पर लागू भी किया। आपने जो कहा इस तरह के जो फ्रीलांसर्स हैं, अब दिक्कत यह है कि मोदी जी का और हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो ये जो इस तरह के संग दिल लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन एक कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का और हमारी सरकार का है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डेवलपमेंट के एजेंडे पर डोमिनेट नहीं होने पाएगा। जो विकास की गाड़ी है वो विश्वास के हाईवे पर सरपट दौड़ेगी बगैर किसी स्पीड ब्रेकर के, बगैर किसी रोड़े के। और जो लोग भी इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं, जो इस तरह का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या नरेंद्र मोदी जी की के विश्वास पात्र नहीं हो सकते। ये चीज़ एकदम स्पष्ट चीज़ है। जफर साहब, इस बार डर नहीं है मुसलमान डरा हुआ नहीं है मुसलमान। अलबत्ता ये जो आपने ना जिनका जिक्र किया, गिरिराज सिंह जैसे लोग या वो उधर साउथ में वो क्या नाम है उनका, एक जो मंत्री थे पहले वो, लेकिन एक चीज़ बेहतर जो हुई है, अभी पहली बार होम मिनिस्टर साहब ने बहुत सख्त बात कही दोनों को, जो हैदराबाद के जो मंत्री बोले थे हैदराबाद के बारे में उनको भी, और जो गिरिराज सिंह साहब ने जो जिक्र किया उस पर भी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का उस दिन का जो बयान 23 तारीख और मौलाना की बात बिल्कुल सही है कि हमें उस पर यकीन करना चाहिए, और अब वॉक द टॉक नज़र आ रहा है। देखिए, असली फैसला तो जनता करेगी। मेरा सवाल नकवी साहब से है कि क्या ये मॉब लिंचिंग, कभी दलितों पे जुल्म किया जा रहा है, कभी मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्या ये सिलसिला कभी थमेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? 2014 से पहले का ज़रा मंजर आप याद करिए, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा वक्त नहीं होता था जब मुल्क के किसी न किसी हिस्से में सांप्रदायिक दंगों की आग न जल रही होती थी, उसमें बेगुनाह मारे जाते थे, एक। उसके बाद बेगुनाह पकड़े जाते थे और जेलों में ठूसे जाते थे, दूसरा। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जब कभी, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे मक्का मस्जिद हो, तमाम जहाँ पर धमाके ना होते हो, विस्फोट ना होता हो, जिसमें सैकड़ों लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते थे और सैकड़ों बेगुनाह गिरफ्तार होकर के राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी हरकतों में, जेल के चीखों में डाल दिए जाते थे। 2014 से 2019 के दौरान कोई मुल्क में बड़ा कॉमनल राइट नहीं सफल होने पाया। 2014 से 2019 के बीच में इस तरह की जो आतंकवादी शैतानी हरकतें हैं वो कामयाब नहीं होने पाई। नकवी साहब वो याद दिला रहे हैं, आपकी बात सही है कि कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन वो याद दिला रहे हैं अखलाक को जैसे मारा गया, वो याद दिला रहे हैं कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, इनोसेंट मुसलमानों को जिस तरह से मारा गया, उसका जवाब दे कौन? देखिए, एक बात बहुत साफ है, इस तरह की जो घटनाएं, जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, हीनियस क्रिमिनल एक्ट, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और की भी गई। जैसे राजस्थान में जब हुआ तो राजस्थान में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और कम से कम 6 महीने वो जेल की सीखचों में रहे, उनको जो है जमानत तक नहीं हुई। हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बारे में कार्रवाई हुई। निश्चित तौर से ये जो क्रिमिनल एक्ट है, अब दिक्कत क्या होती है, इस तरह के क्रिमिनल एक्ट को, इस तरह के क्रिमिनल जो घटनाएं होती हैं उसको कॉमनल रंग जब दिया जाता है तो ऐसे क्रिमिनल्स का जो है वो मनोबल बढ़ता है और उनको लगता है कि हमारा काम तो हो गया। तो इसलिए नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर इतने बड़े, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एक पुलिस अफसर की जान की कीमत कम है और गाय की जान की कीमत ज्यादा है। देखिए, मुझे लगता है वो एक्टर नहीं है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और उनकी जो बुद्धिजीवी दिमाग है उसका हम मुकाबला तो कर नहीं सकते। जफर साहब कर सकते हैं? नहीं, मैं उस वक्त जब नसीरुद्दीन शाह साहब बोले थे
तब मैंने कहा था कि आपको कहाँ पता चलेगा, आप तो भाई बांद्रा में रहते हैं, स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाते हैं, आप कभी मुसलमान मोहल्ले में गए ही नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उनकी बात तब भी वो ज़्यादा थी, यानी होते हैं जो नकवी साहब ने कहा कि वाकयात होते थे। पहले हम इसको स्टैबिंग बोलते थे, एक एक दिन में 25-30 होते थे अहमदाबाद शहर में, 25-30 स्टैबिंग होती थी। नहीं नहीं, और मुल्क के और जगहों पे होते थे। हाँ। लेकिन अब चूंकि वो इतना एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है बिकॉज ये जो सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल नकवी साहब की ये बात पर वो जोर दूंगा कि इसको क्रिमिनल हीनियस क्रिमिनल एक्ट समझ कर वहां का जो प्रशासन है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और वो पुलिस है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई ले। और अगर परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो कहते हैं, जो कर रहे हैं, अगर दो चार को सख्त सजा मिली तो वो अपने आप हो जाएगा। और लोग सवाल पूछना चाहते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारकबाद, उसके बाद ईद की मुबारकबाद, शुक्रिया। उसके बाद मेरा एक सवाल है नकवी साहब से कि जैसे हम लोगों का और पार्टियों ने 60 साल तक इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह, तो क्या आपकी पार्टी भी ऐसा ही कुछ करने वाली है? दूसरी बात, क्या आपने माइनॉरिटी के लिए ये जो ऐलान किया है मोदी साहब ने कि इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इसको स्किल सिखाया जाएगा, इनको नौकरियां दी जाएगी, तो क्या ये वाकई अमली काम होगा, ज़मीन पे होगा, या सिर्फ ये जुमला होगा? देखिए, जब मोदी जी को मुल्क ने, आप लोगों ने, सब ने प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, तो उस वक्त एक बहुत ज़ोर शोर से एक बात कहा जाता था कि साहब आप मुसलमानों का तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ कही जाती थी, अब इस्लामिक कंट्रीज से तो रिश्ते होंगे ही नहीं। और आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में एक मुहिम चल गई थी, अवार्ड वापस होने लगे थे कि अब तो जो है वो देश का जो है वो भला नहीं हो सकता। इन 5 सालों में, वैसे मैंने शुरू से कहा ना कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, ना है, ना रहेगा। लेकिन इन 5 सालों में 2000 करोड़ से 5000 करोड़ अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट किया गया, तो ये जो है वो अल्पसंख्यकों के विकास की सोच के साथ किया गया। अगर जो है वो 4 सालों में हमने 3 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी, 3 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी, तो ये अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को लेकर किया गया। उसके अलावा हमने जो है वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके जो मुहैया कराए 8.5 लाख से ज़्यादा, वो सिर्फ इसी सोच से मोदी जी ने कराया कि ये जो आर्थिक तंगी और मंदी है अल्पसंख्यकों के बीच में, उसका खात्मा हो, उसका सफाया हो। अल्पसंख्यकों में आप जानते हैं दस्तकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, कारीगर होते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था। हमारी सरकार ने हुनर हाट का शुरुआत करी, और जो दूर दराज के दस्तकार शिल्पकार हैं, जिन्होंने कि अपना काम करना बंद कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इनकी तरफ देखो, इनके बारे में सोचो और इनको आगे बढ़ाओ, तो उनको बड़े बड़े शहरों में हमने बुला करके जो उनके स्वदेशी सामान है उसके लिए उसको मार्केट भी दिलवाया और मौका भी मुहैया कराया। और हम 100 इस तरह के अभी स्वदेशी हुनर हाट लगाने वाले हैं, जिसमें हम लाखों लोगों को रोज़गार देंगे। हम 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, ताकि जो लड़कियाँ, ख़ासतौर से लड़कियाँ उसमें 50% है, उनको हम शिक्षा से जोड़ सकें। हम स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए हम 25 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को रोज़गार और रोज़गार के मौके मुहैया कराएंगे। और रजत जी, फिर हमको 5 साल बाद बुला लीजिएगा इसी आपकी अदालत के कटघरे में, और मदनी साहब और जफर भाई को भी बुला लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कितना किया है। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि सब किया कराए पानी हो जाता है ना, जब गिरिराज सिंह कहते हैं भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, देखिए साक्षी महाराज कहते हैं मुसलमान का मतलब 4 बीवियां 40 बच्चे। देखिए, मैं मतलब इस मुल्क में ना किसी को डरने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है। ये जो डराने वाले प्राणी लोग हैं, ये अभी कुछ दिन बाद जो है वो इस तरह की भाषा बोलते बोलते खुद डरने लगेंगे, क्योंकि मोदी जी जो है वो, मोदी जी ने कभी, आप ये बताइए कि उन्होंने कहा क्या कि हम जो है वो हिंदुओं का भला करेंगे, मुसलमानों का नहीं करेंगे, सिखों का करेंगे, ईसाइयों का? उन्होंने हमें कहा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों, और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जब बात करी तो उन्होंने जब पक्के मकान बनवाए तो कभी ये नहीं कहा कि तुम मोहम्मद अजीज हो कि तुम मोहम्मद शमीम हो। उन्होंने कहा ये गरीब है, इसके मकान बनने चाहिए। उन्होंने आयुष्मान योजना का जब फायदा हुआ तो उन्होंने कभी नाम पूछ के या मोहल्ला पूछ के नहीं किया।
मौलाना साहब आप चुप बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जब ये विनय कटियार कहते हैं कि मुसलमानों को यहां रहना नहीं चाहिए, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो इसका असर होता है लोगों के दिलो दिमाग पे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग रहते हैं, भारत उपमहाद्वीप जिसे कहें, उसमें जितने लोग रहते हैं और जिस हाल में हैं, वो भारत का मुसलमान सब खराबियों के बावजूद, कंप्लेंट्स के बावजूद, उससे अच्छे हाल में है। और मुझे इस बात का अटूट विश्वास है कि मुसलमान को अगर कोई डराने की कोशिश भी करे तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये मुल्क ऐसा है कि इस मुल्क के बसने वाले लोग, उनकी मेजॉरिटी नहीं, मोर देन मेजॉरिटी, वो बाय नेचर सेकुलर हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। जो जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कंप्लेंट सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से उस घटना पर जिम्मेदारों को रिएक्ट करना चाहिए और जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से एक मन में एक बेचैनी, एक तरह का सवालात खड़े हो रहे हैं, भाई क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा। और ऊपर से वो ये बात अगर कोई मिनिस्टर करे फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। एक नए, मैंने आज बयान पढ़ा है, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो अकबर बादशाह थे वो महान नहीं थे, वो ग्रेट नहीं थे, वो लड़कियों को छेड़ते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। देखिए ये मैं, वैसे रजत जी बाई नेचर आप भी सेकुलर हैं थोड़ा क्योंकि आप जो है वो एक तरफा बात कर रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट इस तरह के हर जगह है। आपने वो बयान भी जरा दिखा दीजिए जो बयान की कहते हैं कि अगर तुमने नजर दौड़ाई तो हम जो है तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुमने जो है वो अगर यहाँ पर कोई मुसलमानों मुसलमानों में किया तो मुसलमानों को जो है वो जो है वो यहाँ नया हम पाकिस्तान बना देंगे, इस तरह के लोग भी हैं। नकवी साहब, लेकिन माफी चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता। नकवी साहब, मैं समझ रहा हूँ, नकवी साहब मैं माफी चाहता हूँ, उनको एलिमिनेट करना ये सोसाइटी की, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो किसी वो एमपी एमपी है, एमएलए है, वो ठीक है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं, बस उसको जस्टिफाई मत कर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जस्टिफाई करने का, लेकिन दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसा कि आपने कहा कोई मिनिस्टर है, कोई सरकार का हिस्सा है, तो वो ज्यादा उसकी बातें हाईलाइट होती है, लेकिन वो उस इलाके में किसी और ने भी कर दिया तो उसमें रिएक्ट वो करता है। दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। रजत जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ खासतौर से मुसलमानों को। देखिए, ये जो किस्म के अनासर हैं, जो द गिरिराज ऑफ द वर्ल्ड जिनको मैं कहता हूँ, देखिए ये कहते ही इसीलिए हैं कि उनकी बात, वरना वो अगर सही बात करें तो कोई कैमरा लेके जाएगा नहीं। वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, ताकि वो दिखें, बोलते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो मैं समझता हूँ कि हमको अब इन्हें पैमाना तय करना पड़ेगा। ये जो लोग हैं, ये वैसे इनकी पार्टी में भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर और इनके जो चार पांच मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो बोलते हैं, पांच साल अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, या रविशंकर प्रसाद है, पीयूष गोयल हैं, ये पांच सात और इनके कैबिनेट मिनिस्टर, वो क्या करते हैं या नहीं करते, हमारा पैमाना वही होना चाहिए, उसके अलावा हमारा पैमाना नहीं होना चाहिए। देखिए जफर साहब, सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रभावी है, उस पर असर होता है। अब परसों की घटना है, कश्मीर में एक आतंकवादी मस्जिद के अंदर खड़े होकर आतंकवाद की बात करता रहा, बंदूक चलाता रहा। अब सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, इमाम साहब ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो कौन जवाब देगा इसका? आप यकीनन उसका जवाब हमारे ऊपर आएगा, यानी जो जो मजहबी लोग हैं, अब इमाम साहब ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की तो ये इमाम साहब का कसूर है, यानी हमारा कसूर है, ऑफकोर्स हमें मानना पड़ेगा उसे। अब ये तो मान, ये सही बात है, हम जवाब दें, उसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो ये कहूँ कि आग बराबर लगी है दोनों तरफ? नहीं, आग बराबर नहीं लगी हुई है। कश्मीर बहुत छोटा सा हिस्सा है और यह बहुत बड़ा मुल्क है।
देखिए, और वो जिम्मेदार लोग हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए ये तो जो कश्मीर जो है एक पिक्युलर प्रॉब्लम है, यानी वो जो है मैं नहीं समझता कश्मीर के अलावा, और वो भी कश्मीर में एक पर्टिकुलर साउथ कश्मीर में ही है, वरना पूरे मुल्क में मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में इस किस्म का बयान कभी किसी ने सुना होगा। तो मैं समझता हूं कि वो कश्मीर का एक अपना है प्रॉब्लम, बट पूरे मुल्क में अल्लाह का एहसान है कि नहीं है, और हमारे यहाँ जो उलमा जो है वो काफ़ी सजाग है, यानी मैं जुमा के जो खुतबे वगैरह सुनता हूँ तो कौम के अंदर एक बेदारी पैदा करने का काम उलमा कर रहे हैं, इसे मुल्क में ये चीज़ नहीं है एक्सेप्ट कश्मीर। वहाँ तो ये भी होता है ना कि अगर वो बेचारा बोलने की कोशिश करता तो वो मार दिया जाता, कई मेरे तो जान बचाने के लिए भी चुप रहना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन बाकी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से तो बाहर नहीं हो सकते, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपकी अदालत में इल्जाम है कि मुसलमानों को सरकार की बातों पर यकीन नहीं है। नकवी साहब, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो देश के मुसलमान हैं उनके मन में अचानक एक बार कह दिया उस पर यकीन आ जाएगा? अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में असम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि आप बॉस असम आ जाओ कुछ एक, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन का काम देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप आओ, एक बहुत यहाँ पर कठिन समस्या आ गई है, एक इलाका है जहाँ पर कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ पे मतदाता मुसलमान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मोदी का वोटो रहेगा ना, मोदी को वोट देंगे हम, ये कमल पर नहीं देंगे। अभी इनको समझाओ कि भाई ये एक ही वोट है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जा कर के उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिला, मिलने के बाद जो लोग मैटर करते थे उनसे मैंने बात करी, उनका नहीं हमें कोई मोदी शिकायती नहीं है, हमारा देखो ये मकान मोदी ने बनाया है, हमें जो है वो अभी जो हमारे पास अभी अभी जो है वो पैसा आया है वो किसान निधि सम्मान निधि वाला, वो इसमें मोदी जी ने किया है। तो उनका कि हमें मुद्रा योजना के तहत देखो हमने ये दुकानें हमारी हैं, ये हम काम कर रहे हैं छोटे मोटे सब काम, तो लोगों का हमें कोई शिकायत नहीं है मोदी से। लेकिन ये जो जफर साहब और जो हमारे मदनी साहब की शिकायत है, वो शिकायत उनकी भी थी, वो माहौल भी हमें वो उसका परसेप्शन कारण ज़्यादा है, क्योंकि जो इस तरह की एक बहुत ही आइसोलेटेड बातें हैं उसके उसकी उसकी वजह से ही है। दूसरी एक हम आपको एतमाद की बात बताते हैं, ये विश्वास की बात जो है, अभी जिस वक्त हम लोग सरकार में आए उस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेट 1,30,000-35,000 हमारा हज का कोटा था, ये बहुत, क्योंकि हर मुसलमान के हज पे जाना जो है उनकी तमन्ना होती है। मोदी जी से हमने कहा कि सर 1,30,000 कोटा है, और मुसलमानों की जो अप्लीकेशंस आती हैं 4,00,000 आती हैं 4,50,000 आती हैं, तो आपको जो है इंटरवीन करके और वहाँ के जो है किंग से कहना होगा। उन्होंने बात करी, और बात करने के बाद पहली बार जो है वो 25,000 बढ़ा, फिर दूसरी बार जो है फिर 25,000 बढ़ा, और जब वहाँ के जो है वो क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए तो हम लोग टेबल पे, सुषमा जी थी, प्रधानमंत्री जी थे, क्राउन प्रिंस थे और मैं था, तो मैंने कहा कि सर इनसे कहिए कि क्राउन प्रिंस से कि ये जो है वो कम से कम 1,80,000 तो कर दें कोटा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा तो करेंगे नहीं, पाकिस्तान का 1,82,000-83,000 है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनका था उनका भाई ब्रदर हमारा कोटा बढ़ा दो, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो 1,80,000 मांगा है, हमने लिख के भेज दिया था 1,80,000 उनका 1,80,000 मांगा है, तब उनका नहीं लेकिन ब्रदर आप जो अपने मुंह से बोल दीजिए वो हम कर देंगे। पीएम ने कहा कि 2,00,000 तो करिए कम से कम, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 2,00,000 कर उनका डन, और 2,00,000 जो है वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा होगा नंबर वन, पाकिस्तान के जो हज यात्री जाने वाले हैं उनसे ज़्यादा नंबर होगा, सिर्फ एक इस्लामिक देश बचा हुआ है इंडोनेशिया, जहाँ पर 2,12,000 या 15,000 लोग जाते हैं, इंडोनेशिया सिर्फ ऊपर है, और ऊपर इंशाअल्लाह जो है वो अगले साल इंडोनेशिया का भी नंबर क्रॉस करेंगे हम। इसीलिए आपकी बात सही है, मोदी जी से शिकायत नहीं है, योगी जी से है, वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ का नाम बदलने वाले हैं, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर तो चिंता नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए, क्यों कुछ फर्क पड़ता है जी नाम से? ये सिंबॉलिक चीजें हैं, कई बार लोग कहते हैं जब इलेक्शन का वक्त करीब आएगा
तो जरा ज्यादा नाम बदल देंगे वो तो करने दीजिए उन्हें, इससे क्या फर्क पड़ता है, काम होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई बार लोग करते हैं कि अब क्या लोगों के नाम भी बदलेंगे। देखिए क्या होगा, कहीं बदनी साहब का नाम बदल दे। सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी और आप मोदी जी, अब आप कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास, कैसे आप मुसलमानों का विश्वास जीतेंगे, क्या करने वाले हैं मुसलमानों के लिए, ये मेरा सवाल है। देखिए पहली बात ये कि मुल्क की तरक्की की बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी मुसलमान भी चाहता है। अब ये अभी तक क्या होता था कि जो हमने जो अभी इतनी स्कीमें बताई वो किसी एक कौम और किसी एक बिरादरी के लिए नहीं है। अगर पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हैं तो किसी एक कौम के लिए नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मोदी जी ने किया है। अगर जो है वो आयुष्मान योजना है वो किसी एक कौम या एक इलाके या बिरादरी के लिए नहीं है, ये जितनी भी योजनाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो ज़रूरतमंद है, जो मज़लूम है, जो जिसको कि जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको नज़र में रख करके मोदी जी काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। और इसमें अल्पसंख्यक समाज और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज सबसे लिए उनके पिछड़ेपन का, गरीबी का, गुर्बत का पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ हुआ है। और हमने इसीलिए एक शुरू में कहा कि मोदी जी के विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है, और जब वोट का सौदा नहीं होगा तभी जो है विकास हो सकता है ईमानदारी के साथ, हम मोदी जी ने करके दिखाया है। आपने स्कॉलरशिप बढ़ाई है, हज का कोटा बढ़ा है, महिलाओं का जो है 3 तलाक का ये आपने पास कराया है, आप इस चीज़ को जो है ना आप क्यों नहीं प्रचार में लाते ताकि लोगों को पता लगे, क्या आप इस चीज़ से घबराते हैं, क्या ये लगता है कि हमारा जो बैंकोट है वो खिसक जाएगा क्या? नहीं नहीं, देखिए एक बात बता दें आप, ये बात आपकी जो है वो बात सही है कि पहले जो है वो करने में वो लोग कम रहते थे और प्रचार में ज़्यादा रहते थे। बड़ा बड़ा इश्तहार अब तक तो आ गया होता है कि 2 लाख हो गया कोटा, हमने नहीं कहा, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ साथ खुदा ने हमारे हाथों से काम लेना जो है वो तय किया है तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम कभी भी जो है वो ये वही आदमी कर सकता है जिसको ये लालच नहीं होगी यार हम ये करेंगे तो वोट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नकवी साहब उल्टी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका प्रचार इसलिए नहीं करते आपका हिंदू वोट न खिसक जाए। नहीं ऐसा नहीं है, कोई हिंदू नाराज नहीं होता, कोई भी समाज का हिस्सा कभी ये नहीं पसंद करेगा। आप ये बताइए हज पे जाते हैं लोग, उस गांव के लोग जो है हिंदुओं मुसलमानों मदनी साहब जानते हैं आप जानते हैं, वो जो है वो सियाफ करने स्टेशनों पे जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, यहाँ तक दिल्ली तक आते हैं, कहते हैं भैया जा रहे हो हमारे लिए भी दुआ करके आना। तो इसलिए ये मैं नहीं मानता रजत जी। देखिए वो जो बात जो की थी मुसलमानों की ग्रोथ की, मैंने सब मुसलमानों को 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो ये है कि मुसलमान जो है उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो हमको चाहिए, और दूसरा मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और अपॉर्चुनिटी परफॉर्म करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है तो एडुकेशन। तो मैं समझता हूँ कि नकवी साहब से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि मुसलमान इलाकों में पुलिस स्टेशन बहुत होते हैं, स्कूलें नहीं होती, तो आप इतना कीजिए कि मुसलमान इलाकों में प्राइमरी स्कूलों के क़याम के बारे में आप एक इकदाम करिए। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि भई ये अल्पसंख्यक समाज के ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग हैं ये कम कैसे होते जा रहे हैं, भेजना होता है कहीं पे किसी जगह पे अपॉइंटमेंट होता है तो ढूंढना पड़ता है कि भई ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई आईएएस है कि नहीं है, आईपीएस है कि नहीं, गिनती और सिमटते और सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि हो सकता है कि ये जो है वो जो यूपीएससी के प्रतियोगिता होती है या जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उसमें नहीं बैठते होंगे। तो हमने फिर उसका पता लगाया, तो पता लगाया मैंने आप जफर साहब से पूछा, आपने और तमाम जो तमाम दानिशमंद लोग थे उनसे मैंने पूछा क्या उनका साहब, एक तो कोचिंग इतनी महंगी है कि उस कोचिंग की वजह से इतनी आर्थिक रूप से कमज़ोरी है, आर्थिक रूप से परेशानी है कि वो कोचिंग नहीं कर पाते, बहुत महंगी कोचिंग होती है, और दूसरा उनका तासुब बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। दोनों चीज़ मैंने बता दी, उनका कि इसका कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर फ्री कोचिंग हम लोगों ने शुरू कराई 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016-17 लगातार, और उसका नतीजा हुआ कि पिछले तीन साल पहले जो है वो 120 अल्पसंख्यक समाज के लोग यूपीएससी में चुने गए जिसमें 51 लोग मुसलमान थे।
उसके बाद जो है वो नंबर बढ़ा। फिर अभी जो लास्ट हुआ है उस लास्ट में भी 57 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग IAS IPS में चुने गए, उसके अलावा स्टेट सर्विसेज में यहाँ वहाँ तमाम चुने गए। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि चलिए हमने उनको एक फ्री कोचिंग, हमने तो हज हाउस में भी शुरू कराया, हज हाउस से भी दो बच्चे अभी कोचिंग। साहब ऐसी चीज़ों का कुछ फ़ायदा हुआ है, असर हुआ? देखिए ये करने के काम है, इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि इन्वायरमेंट क्या बन रहा है मुल्क का, उस इन्वायरमेंट को जो बिगाड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको बनाने के ऊपर अगर काम नहीं होगा और इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी किसी एक कम्युनिटी में, तो वो मुल्क के लिए कभी अच्छा नहीं होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। तो सेंस ऑफ एलिनिएशन और इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो ये स्टेटमेंट है इसीलिए सराहे जाने के काबिल है कि उनका ये स्टेटमेंट अगर ज़मीन पर उतर गया, लैंड कर गया ये, तो फिर बहुत सारे फ़ायदे होंगे और बदलाव आएगा। तो उसी बदलाव को देखने की ज़रूरत है। ऑफ़ कोर्स जो ये कोशिशें मिनिस्ट्री की तरफ से आप बता रहे हैं हो रही हैं वो और बढ़ाने की ज़रूरत है और वो अच्छा काम है। वो मुख्तार भाई से मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जो हमारे बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विश्वास तो हम सर करते हैं, मगर जब कोई ऐसा गिरिजा नेता जैसा आन के बोल देते हैं फिर हमारा विश्वास वहीं लौट के वहीं आ जाता है। तो ऐसे नेताओं पे कोई लगाम लगाने की या किसी को ऐसे की ज़रूरत है कोई? देखिए भाईजान, मेरा मुल्क कितनी 130 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों का मुल्क है ना, उसमें 20% से ज़्यादा जो है वो मराठी कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें जो है आपके मोहल्ले में भी तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह के प्राणी होंगे, आपके शहर में भी होंगे तरह तरह के प्राणी। लेकिन आप अगर यकीन करते हैं तो आप जो आपका हेड ऑफ दी आपका घर होता है, जो घर का मुखिया होता है, मोहल्ले का जो बुज़ुर्ग होता है, उस पर यकीन करते हैं, वो जो कह रहा है यार वही सही कह रहा होगा, और ये जो फालतू लोग कह रहे हैं उनकी बात पे यकीन। जो फालतू और तरह तरह के प्राणी उनको कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी बनाते हैं। नहीं वो बात सही है, मैं मानता हूँ कि ज़बान पे लगाम होना चाहिए, मैं आपसी बात से सहमत हूँ, ज़बान पे लगाम होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, और कोई अगर बात कहेगा तो बतंगड़ बनेगा, और बनेगा तो वो जो है जायज़ भी है। लेकिन यकीन की जहाँ तक बात है, जो आपने यकीन की बात की, यकीन आप प्राइम मिनिस्टर की बात पे करिए, आप पार्टी के प्रेसिडेंट की बात पर बात करिए, जो और पार्टी के तमाम जिम्मेदारान हैं उनके उन पर करिए, आपको यकीन दिलाते हैं कि ना आपको डरने की ज़रूरत है और ना किसी को आपको डराने की ज़रूरत है। चलिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर मैं एक आपकी अदालत में इल्जाम है कि मुसलमानों का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए किया जाता है। मदनी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं कि सियासी फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया, सारी दुनिया जानती है मुसलमान को वोट बैंक समझा गया, तो आप लोग रोक क्यों नहीं पाए इस बात को, ये क्यों नहीं जोर से कह पाए? एक बात मुझे बताइए, पिछले 70 सालों में ये शिकायत कि पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट ले लिया और काम नहीं किया, ये सिर्फ मुसलमानों को है या सारे लोगों को है? ये कॉमन शिकायत है पॉलिटिकल पार्टी से, उनके नेताओं से, लीडरों से। सही बात बताऊं, अगर मुझे कोई नेताजी कहे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा हूँ, शर्म की बात हो गई थी। ऐसी सिचुएशन है कि वो नेता होने का मतलब बेशरम होना, नेता का मतलब होने का मतलब बेईमान होना। तो ये एक कॉमन ये वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। हाँ मैं मतलब ये कि आप जनरल बात करें, एक जनरल बात देखिए, एक जनरल बात मायावती जी हैं, चुनाव में उन्होंने मुसलमानों से कहा कि एक मुश्त होकर वोट दीजिए। बताइए ओवैसी साहब, उन्होंने कहा मुसलमान एक मुश्त होकर वोट दे। मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ, हर पार्टी की ममता बनर्जी कल उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो एकजुट होकर के वोट करे। वो ये चीजें रिएक्ट करती हैं और वो मुसलमानों का भला थोड़ी करने वाले हैं। इतने दिनों से है वो बता दें कि उन्होंने मुसलमानों को कितनी नौकरियां दिला दी, कितने स्कॉलरशिप दे दी। ऐसा एक स्टेट है बंगाल जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसे जाते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं होता ठीक से,
हमारी मिनिस्ट्री का पैसा नहीं इस्तेमाल होता है, स्कॉलरशिप लोगों को बच्चों को नहीं पहुंच पाती। अब तो आप डायरेक्ट भेज रहे हैं ना, डायरेक्ट भेज रहे हैं स्टेट से, कम से कम स्टेट से वो वेरीफाई करके भेजेंगे ना, विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेट नॉट पॉसिबल टू सेंड ना। हाँ सर, नहीं देखिए बिल्कुल, यानी एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ है ज़बरदस्त, इसलिए कि अगर आप देखें कि मुसलमानों का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जितने भी इस मुल्क जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ मुसलमान जो है वो आसाम में है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हर एतबार से, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद यूपी में, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन हालत इकोनॉमिक सारे इंडिकेटर में गुजरात में। तो मैंने एक मजमे में कलकत्ते में डेढ़ साल पहले, उसमें काफ़ी मुसलमान इंटेलेक्चुअल भी थे, तब बीजेपी की हुकूमत आई नहीं थी आसाम में, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा बुरा हाल जहाँ है वहाँ बीजेपी ने आज तक हुकूमत नहीं की, आसाम में, बंगाल में अब तक नहीं की, और जहाँ सबसे अच्छा हाल जो है मुसलमानों का वो है गुजरात में जहाँ 26 साल से बीजेपी है। जैसे कि मुसलमानों को एजुकेशन की कमी की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया और उसको भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करके उसका वोट लिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जैसे उन्होंने अभी कहा, छल में छेद करके दिखाया और वाकई सारी पार्टियों को उन्होंने वोट लिया, और अब मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ देख रहा है। और मैं नकवी साहब से इस बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मुसलमान जैसे आजकल कोई भी माइनॉरिटीज की स्कीम के अंदर फ़ायदा नहीं उठा पाता, उसकी वजह यह है कि वो एजुकेशन की कमी की वजह से अपना नाम या अपने फादर का नाम लिखने में स्पेलिंग की वजह से कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो स्कीमों का सही फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो क्या उन लोगों के लिए कुछ हेल्प मिलेगी जो लोग स्कीमों में फ़ायदा नहीं उठा पाते इसी टेक्निकल की वजह से, उस टेक्निक में क्या इसमें योगदान करेंगे आप ये बताइए। देखिए, हम एक शुरू कर रहे हैं पढ़ो और बढ़ो, और उन दूर दराज के इलाकों में मैं सबकी मदद लूँगा उसमें, जो हमारे उलमा हैं उनकी भी मदद लेंगे, जो और हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी मदद लेंगे, मीडिया की मदद लेंगे, हम खुद हम लोग जाएंगे। और उन इलाकों में जो आपने कहा ना कि जब बच्चे पढ़े ही नहीं हैं तो वो ऑनलाइन कैसे भरेंगे, वो कैसे उसको वो करेंगे, तो हम उनको इनक्रेज करेंगे, उनको हम हेल्प करेंगे और इस सिलसिले में हम अभियान चलाएंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नकवी साहब, बहुत सारे सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर पर सवाल शबीर अहमद साहब ने सवाल पूछा है, उनका सवाल है कि तीन तलाक का कानून आपने बनाया, अच्छा किया, लेकिन ये इसलिए बनाया कि जो मुस्लिम महिलाएं वो आपको वोट दें। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ कि तीन तलाक का इशू एक सामाजिक कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। अब एक बार सती प्रथा थी वो खत्म हुई, बाल विवाह की प्रथा खत्म की गई, और इसमें जो है वो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ और स्टेक होल्डर्स ने सुझाव दिए थे, उस सुझावों को कोई हमने रिजिड एटीट्यूड अप्रोच नहीं अपनाया था, उन सुझावों को एक्सेप्ट करते हुए उस जो पूरी की पूरे तीन तलाक का बिल है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हुआ। और सरकार फिर भी ओपन रहती है हमेशा, आप पार्लियामेंट में डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, अमेंडमेंट कोई लाना है अमेंडमेंट दीजिए। मेरा सवाल मदनी साहब से है कि जब चुनाव आता है तो इनसे अगर कोई सवाल करता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते मगर ये कहते हैं हम उसको सपोर्ट जरूर कर रहे हैं जो बीजेपी को हरा रहा है, तो ये नेगेटिव अपील कब तक चलेगी? हमेशा ऐसा होता है और बाद में जब वो पॉलिटिकल पार्टी खुद हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है तो मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जी, दो बातें हैं। मैंने, इन्होंने आधी बात तो सही कही है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, आधी बात की इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुसलमानों को जिसको जिताना है उसको वोट दें, लेकिन किसी को हराने के लिए किसी को वोट ना दें। बिल्कुल, मैं तो ये कहता चला आया, ये उल्टी बात कर रहा है। मैंने आपका 2014 में इंडिया टीवी पर इंटरव्यू देखा, जब आपसे ये पूछा एंकर ने कि आप बनारस जा रहे हैं तो सर आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो आपने खुद ये कहा कि ये तो मुझे नहीं पता हम सपोर्ट किसे करेंगे, वहां जाकर देखेंगे, बट हाँ जो बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे। आप झूठ मत बोलिए, राजेश शर्मा जी के पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी। ऐसे 20 इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे एक नहीं 20 इंटरव्यू हैं ऐसे जिसमें आप देखेंगे कि मैंने 2014 से नहीं, उससे पहले से ये कहता चला आया हूँ। और किसी इलेक्शन के ज़माने में ना मैं फैज़ाबाद गया, ना अयोध्या गया और ना ही बनारस गया, गया ही नहीं हूँ। तो इंटरव्यू क्या? जफर साहब, हाँ देखिए, ये जो आपने जो बात कही, ये जो अभी आपने भी छेड़ा था, आपने भी कि भाई मायावती जब आई तो क्या कहती हैं,
मुझे वोट दो मैं बीजेपी से बचाऊंगी, फिर आपके ममता मुझे वोट दो मैं बीजेपी से बचाऊंगी। जब ये 2015 में बिहार में इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार और राहुल लालू जी मैं बचाऊंगा बीजेपी से। अब मुझे लतीफ़ा याद आया कि जब इलेक्शन हो गया, लालू जी आ गए, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मुसलमानों का एक वफ्द गया उनसे मिलने के लिए, और ये मैं नाम नहीं लेता, बड़े लोग थे बिहार के, तो लालू जी ने उनको कहा, उनकी अपनी जो अंदाज में बीजेपी को भगा दिया ना, अब क्या चाहिए। यानी गोया मुसलमान जो है बेचारे को इस मुल्क में और कुछ नहीं चाहिए, बस बीजेपी को हरा दो, मतलब फिर तुम ना नौकरी मांगो, ना फिर तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना तुमको हेल्थ चाहिए, बस तुम्हारे लिए क्या, हम बीजेपी को हरा देंगे। तो मैं मुसलमानों को यह पूछता हूं कि क्या भाई तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है बीजेपी को हराने के लिए। मैंने यूपी में भी एक जगह पे कहा था, क्या आपको मायावती जी ने 200-500 करोड़ दियो बीजेपी को हराने के लिए, तो करो यार। ये मुफ्त के अंदर किसी को हराने का काम क्यों करते हो, लोग जीतते हैं तुम हारते हो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यही कह रही हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, बस बीजेपी को हरा दो, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं बेचारे मुसलमान के लिए। जी मैं एक पॉजिटिव चीज देखता हूँ, मैं आशावादी तरीके से, कि इस चुनाव में ये जो जफर भाई कह रहे थे ना कि हरा दिया भाई तुम्हारा काम हो गया, अब चलो हमारा काम भी हो गया, वो लोगों की सोच में बदलाव आया है। सिर्फ हराने के लिए अब वोटिंग नहीं की है लोगों ने, लोगों ने मेरिट के आधार पे की है, और इसका नतीजा हुआ है कि मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि लगभग 25-30% मुस्लिम समाज के लोगों ने मोदी जी को वोट किया है, इसलिए कि उनको ये दिमाग में है कि ये सब बहुत हो गया भाई, डरा डरा के कि जनसंघ के टाइम से जो है वो चाहे मिसेस गांधी से लेकर के और अभी तक जो सारा क्रम चल रहा था वो चल रहा था कि भाई तुम्हें सेकुलरिज्म को बचाना है। ममता जी आप किस बात को नहीं मानती, नहीं तो नाराज होती है जय श्री राम का नारा लगाने से। देखिए ममता जी नहीं मानी इसीलिए उनका जो है वो सुपड़ा साफ हुआ अभी, और अभी विधानसभा चुनाव में भी हश्र ऐसे ही होने वाला है, तो इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि वक्त बदला है, लोगों का मिजाज बदला है, लोगों की सोच बदली है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बेस पर जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वोटों का एक्सप्लाइटेशन या वोटों का पोलराइजेशन या वोटों का ध्रुवीकरण अब नहीं होगा। वो तो ये कहते हैं कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं का वोट लेने के लिए जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाने वालों की चमड़ी उधड़ देंगी। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक मैं कॉलेज जाता था तो एक हकीम साहब थे, तो वो लोग उनका जो है वो नाम मजाक में लड़के कहते हैं हकीम फांसू, तो जैसे ही वो निकलते थे लोग चिल्लाने लगते थे हकीम जी फांसू, और वो दौड़ा करके गाली देते थे डंडा मारते थे, तो ये हार की हताशा में वो तमाशा बन गई है और कुछ नहीं। लेकिन बंगाल में भाई मेरे पास जो मैंने भी देखा हिसाब लगाया कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुसलमान 50% से ज्यादा है, मालदा वहां बीजेपी जीती है, तो ऐसे यूपी के अंदर बहुत सारी जगह नॉर्थ दिनाजपुर तो मतलब ये नहीं है भी यही हुआ। और अगर नकवी साहब जो कह रहे हैं कि भाई 25-30% और अगर ये अच्छा काम करें, और मैं समझता हूं अगर 40% मुसलमान आपको वोट दे देवे तो फिर 30 साल तक तो आपको कोई हिला नहीं सकता। चलिए आप इंशाल्लाह। वहां पर एक मौलाना है जो रोहिंग्या मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के खिलाफ बहुत हैं, शब्बीर अली साहब उनका नाम है, उन्होंने कहा हम हुसैनी मुसलमान हैं, 72 भी होते हैं तो लाखों का जनाजा निकाल देते हैं। तो ऐसा कहने वाले भी लोग हैं, पागलों का क्या इलाज है। आपकी अदालत में इल्जाम है कि मुसलमानों की सरकार में हिस्सेदारी कम है। नकवी साहब, असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि आपकी नजर में मुसलमान किराएदार हैं, हिस्सेदार नहीं। 303 एमपी जीते बीजेपी के, एक भी मुसलमान नहीं है। देखिए पहली बात तो मोदी जी ने सरकार में आने के बाद समाज के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिस्सेदार बनाया विकास का, उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया। जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, राजनीतिक जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये बात सही है, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि दिन ब दिन, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन ब दिन पार्लियामेंट में और असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी का घटता गया। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बीजेपी के शोल्डर्स पे नहीं है,
बीजेपी को इसके लिए इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी को कोई नहीं कहता कि साहब मुसलमानों का वोट थोक में लेकर टी है, जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बनकर के मुसलमानों के वोटों को का अपहरण करते थे, हाईजेक करते थे और लूट करके और सरकारें बनाते थे। अभी आप कह रहे हैं कि 25-30% मुसलमानों ने वोट दिया दिया है, टिकट तो आपने नहीं दी किसी नहीं, को? नहीं, देखिए टिकट दिए हमने, टिकट दिए हमने, लगभग 9-10 टिकट दिए हैं, वो नहीं जीत पाए अलग बात है, लेकिन उस वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये बीजेपी के आने के बाद ये घटी नहीं है नंबर्स, ये नंबर्स तो लगातार 4 दशकों से अगर आप देखें तो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटता जा रहा है। और अब तो एक फैशन चल गया है कि जो है वो रूम में टोपी और वोट पे तिलक, और उनका हम सेकुलरिज्म के रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि हमें अगर तुम्हारे साथ अली है मेरे साथ बजरंग बली है, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखिए हजरत अली और बजरंग बली, किसी को कोई एतराज़ क्या होगा? भाई हम अली को मानने वाले हैं, वो बजरंग बली को मानने वाले हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा जो है वो ईमान जो है वो अली पे है, उनका जो है बजरंग बली पे है, तो ये इस मुल्क में तो मिलकर के चलते हैं। देखिए पॉलिटिकल डेसिमेशन जो है वो तो मैं रजत जी आप 1952 की पहली पार्लियामेंट ले लें, उसमें भी 5% मुसलमान थे, बल्कि 30 साल का जमाना ऐसा गुजरा है आज़ादी के बाद, कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़बरदस्त हुकूमत थी कि अगर वो किसी को भी खड़ा कर देते तो वो जीत जाता, तब भी उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। मैं गुजरात का आपको मिसाल देता हूं, बीजेपी और मोदी तो अभी आए हैं, गुजरात में 1984 से 1984 से कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। पहले 20-22 मुसलमानों को असेंबली में टिकट देते थे, उन्होंने घटाकर 3-5 कर दिए। तो अब ऐसा हो गया है कि बीजेपी बगैर कुछ दिए भी 4-5 चीजें देती है मुसलमानों को, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, और कांग्रेस पार्टी को टुकड़े फेंक कर भी वही देती है। तो यानी हमारा तो यह है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मुसलमानों को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाने की जरूरत है और अपने आप को रेलिवेंट बनाना पड़ेगा, और आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये सियासी पार्टियां आपके घर में आए कि भाई चलो हमको तुम्हारी जरूरत है। तो ये रेलेवेंस हमको तालीम की बुनियाद पे लाना पड़ेगा, इसलिए पॉलिटिकल डेसिमेशन तो सालों से हो चुका है। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, अगर उनकी वोट की बात करते हैं तो किस बात पे करते हैं? वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान के वोट से हम जीतते ही नहीं है, और आप यहाँ पर उनका हुक्म बजा रहे हो कि उनके वोट हमें मिले। अगर मिलते भी हैं तो क्या उनको दिल दुखाने की जरूरत पड़ती है मुसलमानों की? आज जो भी हमें देखते हैं व्हाट्सएप पे, सड़क पे, जिसकी बेइज्जती हो रही है वो मुसलमानों की हो रही है। क्या मोदी जी की सरकार को पता नहीं कि गर्दन किसकी काटी जा रही है? उसको काट के दिखाया किसको जा रहा है? बजरंग बली वाले कहते हैं कि हरी श्री राम बोलो, अगर कलमा पढ़ते हैं उसने पढ़ने नहीं देते, ये सब कौन बना के फेंकता है? ये फेक जो फेंक रहे हैं, या मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये सब उसका सवाल मुझे आपसे चाहिए। बहन जी ऐसा है, पहली बात आप समझ लीजिए कि हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर हम जीते हैं। हमने कहा है कि हमें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मेरे साथ है, हमारी सरकार बनाने में हिस्सेदारी भागीदारी है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने कहा कि नमाज पढ़ने की बात, जो और जो धार्मिक आपके अधिकार हैं उसकी बात, उस पर क्या कभी किसी ने कोई ठेस पहुंचाई? क्या आपको कभी मना किया गया कि आप हिंदुस्तान में जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते? आपको क्या कभी आप बगल में आपके चीन है, जरा देख लीजिएगा आप जाके, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक मिनट, एक बात अपनी बात पूरी कर, हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला मुल्क है, इसमें मैं अपनी कोई ये हमारी सरकार की कोई हम जो है वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि समाज के सभी हिस्सों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आज़ादी और स्वतंत्रता और सशक्तिकरण, तरक्की, उसकी गारंटी है, और उसको मोदी जी ने मजबूत किया है। मोदी जी ने बगैर डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर तासुब के विकास के रास्ते पर मुल्क को आगे बढ़ाया है, उसमें मुस्लिम समाज भी है, हिंदू भी है, समाज का सभी हिस्सा है। और इसीलिए हम एक बात कह के आपकी बात को ख़त्म करेंगे कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगेबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो हम उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जी। मोदी जी के जीतने पे 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि मालिक ने यूँ जिताया है मोदी जी आपको, मालिक ने यूँ जिताया है मोदी जी आपको, कुदरत ने यूँ बढ़ाया है मोदी जी आपको,
वादा निभाएं, आप खुशी दे के दुआ लें, कुदरत ने सुख दिलाया है मोदी जी आपको। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। यहाँ दे दीजिए। मैं गुजारिश करूँगा, हुकूमत मदरसों के ताल्लुक से बहुत सारे काम कर रही है, 3T का पीछे था, अभी 3E का है, तो आप जो फारिगीन मदरसा हैं, ख़ास तौर से बड़े मदरसों के फारिगीन, उनको रोज़ी रोटी से जोड़ने के लिए सरकार कोई अच्छा कदम उठाए। जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, मदरसों का इस मुल्क की तामीर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि मदरसों में जो है आतंकवादी और ये और वो बेवकूफ़ है, उनकी कोई दिमागी जो है वो दिमागी तौर से वो बेहतर ठीक नहीं है। मैं बहुत इस आपकी इतनी बड़ी आपकी अदालत में कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मदरसों में जो बच्चे हैं वो भी जो है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जब मैं हम वर्ड करते हैं ना तो मेन स्ट्रीम मतलब इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है, ये इनमें भी शामिल हो। इसके लिए हमने ब्रिज कोर्स करवाया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के थ्रू करवाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाया, और भी जो संस्थाएं हैं उनके थ्रू हम करवाना चाहते हैं और आगे भी करवाएंगे। और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वहाँ पर, बहुत से छोटे मदरसे हैं, जो मदनी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ छोटे मदरसे हैं, कहते हैं साहब ठीक है हम चाहते हैं कंप्यूटर पढ़ाएं, लेकिन हमारे जो है टीचर ट्रेन नहीं है, वो भी हम करवा रहे हैं। पिछली बार हमने लगभग 528 टीचर्स को ट्रेन करवाया था, तमाम जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए, और उसके बाद उनको कराया कि भाई आप जो है कंप्यूटर कैसे की पढ़ाया जाएगा, कैसे साइंस पढ़ाई जाएगी, वो उसकी भी आप ट्रेनिंग करिए। और इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम जो है वो 12,000 मदरसों के टीचर्स को हम ट्रेन कराएंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ये हमारी कोशिश है, लेकिन उसमें हम अकेले नहीं कर सकते, उसमें मदनी साहब जैसे लोगों का, उसमें जो है जफर भाई जैसे लोगों का, उसमें जो है जज साहब जैसे लोगों का एक बड़ा हमें सपोर्ट चाहिए, और ऐसे आलिम दीन का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो है वो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मदरसों में सरकार घुसना क्यों चाहती है। तो हम घुसना नहीं चाहते, हम तो जो है वो चाहते हैं आप हमको तजवीज़ करिए और हम उसके उसको है इम्प्लीमेंट करें। जब 2014 का चुनाव या 2019 का चुनाव हुआ तो एक प्रसक्शन बना, मायावती जी कहती हैं कि भाई मुसलमानों का वोट हमें दे दिया, अखिलेश यादव जी अलग करते हैं, हर पार्टियां छोट घटक दल अलग अलग बयानबाजी करते हैं कांग्रेस। मेरा मन्नी साहब से सवाल है कि साहब जो उलेमा है, मुसलमान डर जाता है उस चुनाव से पहले कि पार्टियां अपना जोर लगाती हैं, उन पार्टियों से रिलेटेड मौलाना अलग अपना जोर लगाते हैं कि भाई बीजेपी को वोट ना दीजिए, आपकी तरफ से क्या इस तरह का कोई बयान आ सकता है कि भाई मुसलमान उसको वोट दे जो काम कर रहा है, जिसने इस 50 साल के अंदर 47 साल के अंदर मुसलमानों के लिए काम करा है, दो आप उनको वोट, उसको खुद सोच समझ के वोट दीजिए, किसी पार्टी किसी मौलाना किसी उलेमा के कहने पर वोट मत दीजिए, आप जो पार्टी काम करे केवल उसको वोट दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है, सही बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होना बुरी बात नहीं है, जिसकी मर्जी हो जिस पार्टी के साथ रहे, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए सामने चाहे खराब भी आदमी हो आप उसे वोट दे दें, ये बेवकूफ़ी, पागलपन और ख़ुदकुशी है। इस सोसाइटी से, इस खुदकुशी से लोगों को बाहर निकलना ही होगा, अगर नहीं निकलेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे, चाहे मुसलमान हो और चाहे कोई सी भी हो। एक बात, दूसरी बात ये कि हम लोग इस मुल्क में रहते हैं और रहते चले आ रहे हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं साथ, तो हमारे हमारी तरक्की, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास मुल्क के विकास के साथ है। अगर देश तरक्की करेगा तो उसका फ़ायदा सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं होगा बल्कि सारों को होगा। तो जब सारों को फ़ायदा होना है तरक्की से, डेवलपमेंट से, तो हमें डेवलपमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो बात आ रही है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है, लेकिन भैया अगर मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन घट भी जाए और कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम आ जाए और वो काम जो किसी मुसलमान से लेना है हमको, मुसलमान एमपी से, एमएलए से, मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, वो उस हिंदू से हमको मिलने लगे, तो हमें कोई मस्जिद में इमामत थोड़ी करवानी है कि किसी को मुसलमान को लाके खड़ा करेंगे। काम से मतलब है, ठीक बात है, बिल्कुल। बल्कि तजुर्बे से यह देखा गया है कि मुसलमान का काम नॉन मुस्लिम ज्यादा ईमानदार है। अगर आपका नुमाइंदा
आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके एरिया का, क्षेत्र का, चाहे एमएलए की शक्ल में हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे एमपी हो, अगर वो ईमानदार है तो बेईमान मुसलमान से 100 गुना ज्यादा काम आपके आ सकता है वो। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हिंदू है या मुसलमान है? ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, वरना कल को ये कहेंगे कि ये यहाँ कह गए थे, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं। भैया रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, लेकिन ईमानदार का होना चाहिए। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, इंडिया टीवी की ये आपकी अदालत का जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सूरज है उसका नहीं, जो दिए बुझ रहे हैं और जिन दियों में तेल कम है या बत्तियां, उनकी भी बात समझी जाती है और उनका भी ख्याल रखा जाता है। ये कोशिश जो है बहुत अच्छी कोशिश है, जिसकी वजह से जो है हमें रजत जी ने जो हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, ये बात जो है ना जो मैंने अभी आपसे बताया, ये हमारी सारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचेगी आपके माध्यम से, तभी जो है हमारी समस्याएं हल होंगी। बहुत बढ़िया रही इंडिया टीवी की पहल, और ये आगे भी चलनी चाहिए और ऐसी ही चलती रहनी चाहिए, ताकि हम लोगों के विषय में जो चर्चाएं होती है वो मसले हल होते हुए नजर आएंगे जब ये चर्चाएं चलती रहेंगी तो। लेकिन अगर आज करके छोड़ दिया तो फिर ये भूल जाएंगे हम, तो इसलिए ऐसी पहल आप, मैं रजत शर्मा जी से भी कहना चाहता हूँ और इंडिया टीवी से भी कहना चाहता हूँ कि ये पहल जारी और सारी रखें और इसमें आपको खूब कामयाबी मिलेगी। रजत शर्मा जी की जो ये पहल है इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेबाक ऑडियंस कोई भी सवाल अपने नुमाइंदे से कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 ऐसे लोगों पर जो मुसलमानों के कामों से जुड़े हैं, हमने सवाल पूछे मौलाना मदनी से, मुख्तार अब्बास तकवी से और जफर सरेशवाला से। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे ऑडियंस के सवालों का जवाब दिया, किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज मौलाना कल्बे जब्बात के फैसले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात सुरेश वाला जी साहब ने कही, मैं ये भी बात मैं खुद भी कहता रहता हूं कि छोटे मोटे लीडर जो कह रहे हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो छोटे मोटे फलाने के जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, हमको ये देखना है जो टॉप लीडरशिप है वो क्या कह रही है। हमको ये देखना है कि मोदी जी का क्या क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, हमें देखना है हमारे मुख्तार अब्बास साहब क्या कह रहे हैं। तो इनकी ज़बान से, इन लोगों की ज़बान से आज तक मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज़ हमने नहीं सुना। 400 से ज़्यादा तकरीरें उन्हें की मोदी जी ने, लेकिन एक लफ्ज़ भी किसी भी फिरके के खिलाफ उनकी ज़बान से नहीं निकला है। तो लिहाजा हमको इनको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं और इनकी पॉलिसी क्या है, छोटे छोटे लीडर क्या कह रहे हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, क्योंकि उसका जवाब ही यही है कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। सही मायने में डेमोक्रेसी उसी वक्त हिंदुस्तान में पैदा हो सकती है कि जब हम जिसको वोट दे रहे हैं ये ना देखें कि हमारे ज़ात का है, हमारे मजहब का, हमारे दीन का, हमारे धर्म का है या नहीं है, बल्कि ये देखें कि अच्छा आदमी है या नहीं है, सही आदमी है या नहीं है। आखिरी जुमला मेरा कि जनाब मुख्तार अब्बास साहब कि आप मेरे ख्याल एक अकेले मुसलमान वजीर हैं कैबिनेट में, लिहाजा आप मुसलमानों और गवर्नमेंट के दरमियान लिंक बने, मुसलमानों पर पास जाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो समझें और गवर्नमेंट के पास जाकर उन समस्याओं के हल करने की कोशिश करें, ये आप जिम्मेदारी पूरी लें। ज़्यादा आप सब हजरात को इंटरिम रिलीफ दी जाती है अदालत की तरफ से कि आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आज के इस मुकदमे से कई अच्छी बातें निकल कर सामने आई। पहली बात यह कि इस देश में बदलाव की एक बयार बह रही है, नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटीज को जो भरोसा दिलाया लोग उस पर यकीन करते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत का दौर शुरू होगा, डायलॉग शुरू होगा और वाकई में इस देश में शांति होगी, इस देश में सब लोग मिलकर चलेंगे, भाईचारा होगा। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।